बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के पर्व दशहरा और 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रि के बाद दुर्गा पूजा के जो दुर्गा जी मूर्ति के विसर्जन पर अब सीधी प्रशासन अलर्ट है। ये पूरी खबर अपना कल के आने, जहां अपना कम बताओ कि कहां कहां सीधी माँ रावण के दहन की जाई और कहां कहां दुर्गा विसर्जन के खातिर प्रशासन जो व्यवस्था बनाई है। अब पूरे त्यौहार का मद्देनज़र दुर्गा विसर्जन का लेके चाहे दशहरा के मद्देनज़र अपने बता दी कि सुरक्षा व्यवस्था जो है निरीक्षण कीन गा हवा, यहाँ सीधी माँ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कीन गई हुए। तो बड़ी खबर अपना खाते लेके आने, जहाँ हम अपना खातिर बताओ कि सीधी माँ दशहरा के पर्व के दौरान कहाँ कहाँ पर रावण के पुतला के दहन कीन जाई, नवरात्रि माँ 9 दिन के पूजा के बाद माँ दुर्गा के विसर्जन कहाँ कहाँ कीन जाई और एक खातिर पुलिस प्रशासन के का व्यवस्था है। विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचे सवजने का प्रणाम कहते शुरू कही थे बड़ी खबर से। अपना बताई दी कि अच्छाई की जीत के पर्व दशहरा बुधवार का जिले भर में जो है परंपरागत तरीके से मनावा जाए। छत्रसाल स्टेडियम में एक खातिर 30 फीट के ऊंचा रावण के पुतला तैयार कर ली इनका हबे भगवान राम इनका दहन करी। प्रशासन एक खातिर 8 बजे के समय निर्धारित करी नहीं, जहाँ 8 बजे के समय रावण के दहन की जाए। जनप्रतिनिधियों के संबोधन रामलीला मंचन भला यहाँ प्रस्तावित है। इसे पहले शहर में अपना बता दिया कि भगवान श्री राम के शोभा यात्रा निकाली जाई, शहर में जगह जगह में आरती की जाई। प्रशासन ने समय सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करे हैं, जोने से केवनो मेर के परेशानी जनता का नाम है। बताया जाता है कि रावण के जो पुतला है उनका निर्माण 84,000 रुपया की लागत से कीन गा है। एक खातिर निर्माण की जिम्मेदारी प्रेम इलेक्ट्रॉनिक के संचालक राकेश गुप्ता का सौंपी गई रही। बतावा जाता है कि रावण पुतला में करीब 15,000 के आतिशबाजी लगाई गई है। पुतला के सिर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए गए हैं, जोने से राम से युद्ध के दौरान रावण दहाड़ मार सके और रावण मूवमेंट हो सके। हमने बता दी कि जिला में कोने कोने जगह में दशहरा उत्सव के आयोजन की जा रहा है, वह पूरी जानकारी हम अपना खाते लेके आने हैं। रामपुर नैकिन की अगर बात करी तो पिछले साल के नाई एहू दर की एहू साल दशहरा के कार्यक्रम के भव्य तैयारी रामपुर नैकिन में कीन गई है। नगर पंचायत प्रशासन 25 फीट ऊंचा रावण के पुतला के निर्माण कराई नहीं है। नया बस स्टैंड में रावण के दहन के कार्यक्रम 7 बजे से आयोजित हुई। कस्बा में दशहरा के भव्य आयोजन किया जाता है, जोने में नगरवासियों के अलावा आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग शामिल होता है। स्टेडियम दशहरा में कार्यक्रम के आयोजन कीन जा रहा है। मझौली स्थित कॉलेज ग्राउंड में दशहरे में रावण के पुतला दहन कीन जाई। एक खातिर नगर परिषद 35 फीट ऊंचा रावण के पुतला तैयार कराई ने कॉलेज ग्राउंड में पुतला दहन के पहले रामलीला के मंचन और माँ दुर्गा के झांकी के प्रदर्शन कीन जाते हैं। अपना बता दी कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के विशेष व्यवस्था कलाए जिला में कीन गई है, जहाँ मुख्यालय व आसपास के दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन कीन जाई। सोन गांधी माँ गऊ घाट माँ विसर्जन करे के तैयारी है। गऊ घाट माँ कमरजी और दूसरे क्षेत्र से बड़ी संख्या में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन खातिर अही सोन नदी के जोगदहा घाट अमिलिया कोलदहा भवरसेन समेत सोन नदी के दूसरे तटों में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन कीन जाई। गोपाल और बनास नदी के अलग अलग तटन में खलाए प्रतिमा के विसर्जन की तैयारी कीन गई है। बता दें कि प्रशासन इस समय कड़ी चौकसी में कड़ी नजर अपन सुरक्षा व्यवस्था में बनाए रही, जहां दशहरा में जिले भर में रावण दहन के कार्यक्रम और दुर्गा प्रतिमा के आयोजन कीन जाए के खातिर जिला प्रशासन के द्वारा व्यापक पैमाने में पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम कीन गए। हम सब थाना और चौकी क्षेत्र में पुलिस अपने अपने क्षेत्र में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के स्थान में तैनात हो चुकी है। एक साथ पुलिस लाइन से घलाए अतिरिक्त पुलिस बल का अलग अलग क्षेत्र खातिर रवाना कीन गए। हम दुर्गा प्रतिमा विसर्जन स्थल में बैरिकेडिंग के व्यवस्था बनाई गई है, जोने से ज्यादा गहरे पानी में लोग जाए के दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन न कह सका। ज्यादातर देखा जाता है कि विसर्जन के दौरान दुर्घटना होती है के खातिर पुलिस ने मद्देनजर कड़ी नजर बनाई है। सोन नदी के जोगदहा घाट में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के पूरी तरीके से प्रतिबंधित कई दिन का है। अपना बता दी कि जोगदहा में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन जो है न हो यहाँ प्रतिबंधित है। आपात परिस्थिति से निपटे खातिर नदियों में मोटर बोट के साथ पुलिस प्रशिक्षित गोताखोरन के साथ तैनात कीन गई है, जहां शाम ढलते प्रतिमा के विसर्जन के मद्देनजर कई एक तटन में लाइट की व्यवस्था प्रकाश की व्यवस्था इंतजाम कीन गई है। व्यवस्था कीन गई है कई एक जगह में जनरेटर के घलाई व्यवस्था बनाई गई है, जोने से कोनोमेर की समस्या उत्पन्न न हो। तब न बता दें कि दुर्गा विसर्जन के साथ जहाँ लोगन में उत्साह रहा था, दशहरा के उत्साह रहा था, दुर्गा 9 दिन के दुर्गा पूजन के बाद विसर्जन के उत्साह रहा था, बड़ी संख्या में युवा विसर्जन करे पहुँचा था। वहाँ
कहां कहां ऐसे देखे होते कि युवा के लापरवाही से ये गहरे पानी में जाए के कारण दुर्घटना सोहे आती हैं, तो सुरक्षित हो के विसर्जन करी माँ के पूजा के बाद त्योहार का खुशी बनी रहे एक एक खातिर सतर्क रहे के जरूरत ही पे गहरे पानी में न जाए, सुरक्षित रह के दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन करी। हालांकि पुलिस पूरी जिला में मद्देनजर व्यवस्था बनाए है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तब अपने स्तर में सुरक्षित रहे की जरूरत है, सजग रही, सुरक्षित रही, रखी अपन और अपने परिवार के ख्याल, दे इजाजत, प्रणाम।